मच्छी यानी कि बहुनी भी नहीं हो गई। और देखो गाइस फाइनली हमको एक कतला मच्छी मिली है, देखते यहाँ पे लेवटी में है गाइस कतला, ये देख लो। ओ भाई फाइनली आज के दिन का दूसरा कतला है गाइस। और देखो यार कतला ये, और ये देखो आज के दिन का एक तीसरा कतला। तो गाइस देखो छह बोटे हमने निकाल दी और छह बोटे में काफी अच्छी मच्छी मिली हमको 50 किलो के करीब गाइस। और आप देखते हैं हमारे 8 बोटी जाले और इसमें देखते हैं कि हमको कौन सी मच्छी मिलती है और कितनी मिलती है। चलो देखते हैं गाइस, जैसे मच्छी आएगी मैं आपको बता दूंगा। और एक बार तालाब का नजारा देख लो यार कितना प्यारा है, ये देखो कितना सारा जंगली जंगल। और देखो यहाँ पे मच्छी लग रही है मेरे को, देखते हैं कतला ये कौन सी है। तो लग रही थी गाइस, कंफर्म नहीं बता सकता था क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत गहरा है तो कभी कभी जाला भी इतना जड़ाता है कि मच्छी की जैसा लग जाता है। गाइस देखो मैंने है ना 8 बोटी जाले निकाल रहा था, इसके बीच में मैंने इतने जाले फाड़े कि मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। और अब जाके कौन सी तो मच्छी नीचे थूंग रही है, तब जाके मैंने रिकॉर्डिंग चालू की। तो देखते हैं कौन सी मच्छी ऊपर आती है। तो चलो गाइस जब ऊपर आएंगे तब देखेंगे क्योंकि 8 बोटी नए जैसे जाले तैसे वैसे अभी तक इस तालाब में तो मच्छी नहीं निकली, मच्छी यानी कि बहुनी भी नहीं हो गई। और देखो गाइस फाइनली हमको एक कतला मच्छी मिली है। ओ गाइस देख लो यार 8 बोटी को बहुत फाड़ी यार, बहुत कसम से बहुत खतरनाक वाली जाले फाड़ी। और ये देखो गाइस आज के दिन का ये पहला कतला जो कि निकालते हुए भी मेरे को क्या बताऊं बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जाले उतने फाड़े हैं हमने। चलो और देखते हैं कुछ निकल पाता है नहीं क्योंकि अब दो ही जाले बचे, जाले इतने ज़्यादा फटे कि बस आप मेरे चेहरे की खुशी देखकर समझ सकते हो। चलो देखते हैं आगे, बोला ही नहीं जा रहा आप इतने ज़्यादा जाले फटे। बचे 8 बोटी बचे आधे जाले गए, तो चलो देखते हैं अब आधे बचे हुए जाले में क्या निकलता है। तो 8 बोटी में मच्छी ही नहीं मिली गई, सिर्फ एक कंधों कतले से तो कुछ ही नहीं होता गई, कुछ ही नहीं होता। और यहाँ पे लग रहा है मच्छी के जैसा, देखते हैं क्या मच्छी या जाला ही लगा है। चलो देखते यहाँ पे लेवटी भी है गाइस कतला, ये देख लो। ओ भाई फाइनली आज के दिन का ये दूसरा कतला है गाइस। ओ भाई साहब देखो कुछ ज़्यादा ही इसने लेवटी कर दी, वो भी खतरनाक वाली है ना। और देखो गाइस आज के दिन का ये दूसरा कतला खरिया के अंदर चला गया, चला गया यानी कि डाल दिया गाइस हमने, खुद से चला नहीं गया वो। चलो इसके लिए वाटी निकालते। तो गाइस इस बार नजदीक में ही मच्छी खींच रही है 8 बोटी में, ये देखो इतना ही कच्चा निकाल दिया था हमने और तभी मच्छी खींचने लगी। तो चलो उस वाले मच्छी को देखते हैं कौन सी है, चलो देखते कौन सी मच्छी है वो। तो और जाले बहुत लगे गाइस क्या बताऊं यार कसम से, मेरे को तो रोना आ रहा है यार इतने जाले लगे और इतने जाले फटे क्योंकि अभी इसके तो पैसे भी वसूल नहीं हुए यार इस जाले के। कौन सी मच्छी आएगी, चलो देखते कौन सी मच्छी आती है। तो और जाले ऊपर भी नहीं आ रहे आसानी से यार। और देखो यार कतला ये, और ये देखो आज के दिन का ये तीसरा कतला, जाले ही कतले के हैं। अरे भाई ये देख लो गाइस, और आज के दिन का 8 बोटी में तीसरा कतला मच्छी है।
देखो ये तीसरा कतला मछली चला गया खड़े के अंदर। उसकी थोड़ी गूंज की थी वो भी निकल देगा अनुभव। और आगे देखेंगे, बस आप फाइनल लास्ट टुकड़ा बचा है गाइस। लास्ट एक टुकड़ा बचा है, 2 किलो जाने खत्म हो गए, 1 किलो जाने बचा है अब सिर्फ। हाँ मछली है गाइस, कौन सी दिखते, कतला ही होगा, जाले कतले के नहीं, कभी कभी रोहू भी मिल जाता है ना, नहीं कतला ही है। और देखो ये आज के दिन का चौथा कतला गाइस। ओहो देखो ए और रे शांत भाई, और ये 7 बोटी में मिलता गाइस कतला, ये 8 बोटी का कतला है नहीं है लेकिन मिल रहा है, 8 बोटी मिल रहा है। और देखो गाइस बैक टू बैक हमने 2 कतले निकाल दिए, यानी कि नज़दीक नज़दीक में ही, अब इसकी गोद निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक कतला वहाँ पर था और गोद यहाँ पर कर दी। मच्छी का वैसा होता है, जाले को ज़्यादा झटती ना गाइस जाने के लिए, तो फिर तो गोद हो जाती है दूसरी तरफ भी। झटका बस क्या था रे बाबा, अगर मैं गिर जाता है तो फिर मोबाइल को गाइस यहां से कैसे जाले आ रहे ऊपर, क्या है गाइस मच्छी है क्या, क्या है जल्दी भाड़ा। अब एंगल चेंज हो गया गाइस कैमरे का, अब आपको उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। अरे कुछ ही क्लियर नहीं दिख रहा है, डोले पर भी उन चमक रहा है और कैमरे पे भी उन चमक रहा है और सब काला ही दिख रहा है। पॉप कर। हाँ तो गाइस देखो 8 बोटे हो गए खत्म, अब जाएंगे हम 10 और 11 बोटी पर और उसको देखेंगे, 11 बोटी देख ली फिर से भी देखेंगे। चलो ये कहीं उठा लेते हैं और उधर मिलते हैं, इसमें 4 कतले मिले हमको सिर्फ। गाइस फाइनली हम आ चुके 11 बोटे के नज़दीक और सेठ को तो बहुत अच्छे खासे कतले मिले, तो उम्मीद है कि हमको भी कतले मिलेंगे, तो चलो देखते हैं। मुझे सेठ को 15 कतले मिले थे। हाँ वो भी हम आपको गिन के दिखाएंगे कि वायर वो फिन लगाया। और ये है गाइस 10 बोटियाँ हमने देखी हुई थी, 11 बोटियाँ और 8 बोटियाँ देखी हुई है और 10 बोटियाँ नहीं देखते, क्या है क्या नहीं। 10 बोटे में भी मिला तो बहुत बड़ा ही कतला मिलता है, छोटा कतला तो नहीं मिलता। और देखो इधर जाले लुच हुए हुए इधर। कब आएगा बहुत बड़ा कतला, लगता है आगे तो हो गए जाले। हाँ जाले आधे तो हो गए, बोल अभी तक एक टुकड़ा भी नहीं हुआ गाइस। इतने सारे इसका मतलब कि कितने टुकड़े हैं, बहुत जाले बाकी है। वो कब आएगा यार कतला, कमेंट में बता, आप कमेंट में बताओ उस कतले को कि जल्दी आ भाई, फिर वो आ जाएगा आपके बात मानकर। ये 4 कतले बहुत परेशान कर रहे हैं, उछल कूद उछल कूद। क्या लगता है गाइस आपको, हमको कतला निकल पाएंगे, 2 नहीं 4 निकल पाएंगे और वो भी 8-10 किलो के। तो गाइस 10 बोटे भी हो गए खत्म और सामने वाले 11 बोटे जो कि हमने सुबह में दिखे थे, तो चलो फाइनली इस वाले फिशिंग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये फिशिंग वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।